हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फॉर टुडे आई विल टॉक अबाउट फ्यूज केफ एंड अ ब्रेक स्टेटमेंट। फॉर दिस इज द फिनटेक फॉर फ्यूज केफ एंड ब्रेक स्टेटमेंट। फॉर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्यूज फंक्शन कॉल करवाते हैं और इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल पास करते हैं। जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट करेंगे उसको पास करेंगे और इसके अंदर केफ लेबल देंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो स्टेटमेंट हम लोगों को देना होता है वो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे देते हैं। फिर इसके बाद उस स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं, इस फंक्शन को हम लोग अपने केस को ब्रेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग मल्टीपल केस दे सकते हैं, लाइक हमने दूसरा फिर केस दिया तो यहाँ पे केस लेवल देंगे। स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट आप लोगों को देना होगा वो स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे देंगे और इसके बाद फिर ब्रेक करेंगे उस स्टेटमेंट को। आप लोग जितने केस चाहें उतने केस यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप डिफ़ॉल्ट में जो स्टेटमेंट देना चाहें वो स्टेटमेंट आप लोग डिफ़ॉल्ट में फिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ्यूज केफ हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो फ्यूज केफ को हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमको बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना होता है और उसमें हम लोग एक ही प्रोग्राम पे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करवाते होते हैं। एक प्रोग्राम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, लाइक हम एक ही प्रोग्राम के थ्रू किसी लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी लाइट को कंट्रोल करेंगे, इसके बाद हम लाइक फैन को कंट्रोल कर रहे हैं या एसी कंट्रोल कर रहे हैं। आप लोग किसी भी चीज़ को अगर कंट्रोल कर रहे हैं एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग फ्यूज केफ का यूज करके उस काम को कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक प्रोग्राम बना करके सीखते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, IR रिमोट रिसीवर प्रोग्राम। इसमें हम लोग देखेंगे कि रिमोट में के थ्रू हम लोग कैसे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करवाएंगे फ्यूज केफ का यूज करके। तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ और इसमें सबसे पहले मैं वेरिएबल्स क्रिएट करूँगा और पहले यहाँ पे मैं कमेंट करके दे देता हूँ प्रोग्राम नेम। मैं इजी वे में आप लोगों को बताऊँगा, IR रिमोट रिसीवर प्रोग्राम। और यहाँ पे मैं सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करता हूँ int receiver और यहाँ पे मैं वैल्यू लाइक दे देता हूँ 10। और इसके बाद एक वेरिएबल और क्रिएट करता हूँ बल्ब नाम का, बल्ब, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ 4। और एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं फैन नाम से, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ 5। और इसमें मैं फ्यूज केफ यूज करता हूँ तो फ्यूज, और इसके अंदर वेरिएबल पास कर देता हूँ रिसीवर। और इसके बाद मैं यहाँ पे पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स और इसमें फिर केफ नंबर दे देता हूँ, केफ लेवल, तो लाइक मैं केफ लेवल 1 दे देता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद स्टेटमेंट दे देता हूँ तो स्टेटमेंट के अंदर मैं दे देता हूँ डिजिटल राइट, और डिजिटल राइट में यहाँ पे मैं बल्ब को हाई कर देता हूँ। और इसके बाद मैं ब्रेक कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को, ब्रेक। और इसके बाद केफ लेवल 2 लेता हूँ मैं, और केफ लेवल 2 में मैं दे देता हूँ डिजिटल राइट, और यहाँ पे मैं फैन को हाई कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूँ, तो इसके भी मैंने ब्रेक कर दिया। अब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट में जो स्टेटमेंट आप लोगों को देना हो वो स्टेटमेंट आप लोग डिफ़ॉल्ट में दे सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे दे देता हूँ डिजिटल राइट, और यहाँ पे मैं फैन को लो कर देता हूँ और डिजिटल राइट मैं यहाँ पे बल्ब को भी लो कर देता हूँ और यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम हो गया। और अब इसकी वर्किंग मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, IR रिसीवर, बल्ब और फैन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही वेरिएबल पे हम लोग अब मल्टीपल डेटा को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल पास किया रिसीवर को, और ये रिसीवर जो वेरिएबल है ये हमारे सारे स्टेटमेंट के केस को, इसके डेटा को फॉलो करेगा और हैंडल करेगा इसके डेटा को। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर इसके बाद केफ 1 लिया जिसके अंदर डिजिटल राइट बल्ब को हाई कर दिया। मतलब कि अगर हम अपने रिमोट में
जो बटन हमारी केस वन को फॉलो कर रही होगी उस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा बल्ब जो होगा वो जलने लगेगा और इसके बाद ये केस हमारा ब्रेक हो जाएगा। और अगर हम दूसरा टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं तो ये वहाँ पे जो बटन हमारी केस टू को फॉलो कर रही होगी वहाँ पे डिजिटल राइट, और यहाँ पे फैन हाई है तो यहाँ पे फैन हमारा जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये फंक्शन भी हमने यहाँ पे ब्रेक किया है और इसके बाद डिफ़ॉल्ट में हम लोगों ने इन दोनों को लो कर दिया है, मतलब बंद कर दिया। तो ऐसे हम लोग मल्टीपल केसेज यहाँ पे दे सकते हैं। केस टू दिया यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे मल्टीपल केस दे सकते हैं, केस थ्री दे दें, केस थ्री, और इसके अंदर कुछ भी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल केस प्रोवाइड कर सकते हैं और एक काम को, मतलब एक प्रोग्राम के थ्रू आप लोग मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए फ्यूज केस का यूज कर सकते हैं। और जब हम लोग केस को ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जब हमारा एक केस कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हम लोग ब्रेक करेंगे अपने स्टेटमेंट को कि हमारा दूसरा केस स्टार्ट हो, तो वहाँ पे हम लोग इस केस को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे हमारा फ्यूज केस और ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई हों और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पहुँच सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टू नेक्स्ट टाइम।